का पता है रिकी घर पर होगा मोगली? हाँ उसे पता है ना हम आ रहे हैं। रिकी को अपने नए बिल बहुत पसंद है और वो बघीरा और तुम्हें अपने नए बिल दिखाना चाहता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये रिकी है ना? लगता है वो किसी मुसीबत में है। तुम्हें काटा तो नहीं? नहीं तो मैं तो फिसल गया था। वो तो वाकई बहुत ही लंबा सांप था रिकी। तुम्हें पक्का कोई चोट नहीं आई ना? अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम नहीं आए होते तो मैं उसका काम तमाम करने ही वाला था। वो तो दिख ही रहा है रिकी, पर तुम फिलहाल थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? ओह क्या हाल हो गया है, बेचारा लड़ाई करके थक गया है। पर ये रिकी टिकी टावी भी जिद्दी है ना, जब तक उस सांप से छुटकारा नहीं पाएगा चैन नहीं आएगा इसे। पर इस जख्मी हालत में ये उस सांप से लड़ेगा कैसे? नहीं नहीं हम इसकी ये हालत नहीं देख सकते, हमें इसकी मदद के लिए कुछ करना होगा। रिकी क्या हुआ? मैं संभाल लूंगा, कहाँ गया वो? आराम से, इतना जोश मत दिखाओ, चोट लगी है तुम्हें। देखो एक काम करो, तुम मोगली के साथ जाओ और अपना पैर ठीक करवाओ, बघीरा और मैं उस कोबरा से निपटते हैं। डील पक्की? ऐसा नहीं है कि मैं उससे लड़ नहीं सकता, मेरे तो बस हाथ। डील पक्की। बलू तुम ये पक्का कर लोगे ना? क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ सांप बहुत ही शातिर होते हैं। घबराओ मत, बघीरा और मैं संभाल लेंगे, आखिर हम दो हैं और वो अकेला है। अरे मैं तो उसे आसानी से हरा सकता था, ये कोबरा ही तो था डरपोक कहीं का। पर मैं तुम्हें डरपोक तो नहीं लगता ना मोगली? और तुमने कुछ कहा रिकी, माफ करना मैंने सुना नहीं, मैं तो सिर्फ उस सांप के बारे में सोच रहा था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी पर पता नहीं चल रहा क्या। अब खैर छोड़ो, भेड़ियों की गुफा पास ही है, रक्षा के पास हर तरह की दवाई मिलती है, वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देगी। देखो वहाँ इसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। तकलीफ मत उठाओ बलू, मैं हूँ ना, ये काम चुटकियों में हो जाएगा। संभल कर। ओ बलू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसे मारने ही वाला था। वो जरूर बहुत बड़ा सांप रहा होगा रिकी, इसलिए तुम चूक गए, वरना नेवले तो लगभग भेड़ियों जितने ही खतरनाक होते हैं। क्या क्या लगभग? खैर मदद करने के लिए शुक्रिया रक्षा, अब हमें वापस जाना चाहिए। क्या कहते हो मोगली, हो जाए दो हाथ? नहीं आज नहीं बाला। पर क्यों मोगली, हारने से डर लगता है? बात तो सही है, तुम तो हो ही डरपोक। नहीं ऐसा नहीं है रिकी, वो दोनों तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। मेरे सामने आओ, तुम्हारे जैसे 10 भेड़ियों से निपट लूंगा। रिकी 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 तुम्हारे दोस्त को क्या हो गया है मोगली? माफ करना रक्षा, आमतौर पर ये ऐसे नहीं करता है, शायद चोट लगने की वजह से परेशान है। इसे यहाँ से ले जाओ, ऐसे ही करता रहा तो पूरा शरीर जख्मी हो जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रिकी, हो क्या गया था तुम्हें?
माफ करना मोगली, फिर ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। चलो अब चलते हैं। पर कहाँ? वापस घर ना? हाँ घर ही चलते हैं। बलू और बघीरा ने अब तक उस कोबरा से छुटकारा तो पा ही लिया होगा। इस चूहे की गंध से वो जरूर बाहर आएगा, फिर तुम उसका पीछा करना, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। हाँ हाँ ठीक है, पर ये तो तय है कि मैं इसे लंच में खाऊंगा। ओ, काम बन रहा है, शायद वो बाहर आ रहा है, तुम तैयार हो ना? बलू, ये आराम करने का वक्त नहीं है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते बलू? तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है रिकी? नहीं उतना नहीं। तो तुम मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? बस ऐसे ही। सुनो इंसानी बच्चे, थोड़े फल खाओगे? ये हमारा इलाका है इंसानी बच्चे। चलो रिकी यहाँ से चलते हैं। मैं नहीं जाऊँगा, मैं यही रहूँगा। रिकी बंदर सिर्फ खेल रहे हैं। हिम्मत है तो नीचे आओ, मैं तुम जैसे 10-10 को निचोड़ दूंगा। रिकी नहीं, इंसानी बच्चा। नीचे आके दो दो हाथ तो करो। इंसानी बच्चे के साथ भाग जाओ। डरपोक नेवले कहेंगे। उन्होंने मुझे डरपोक कहा मोगली? क्या फर्क पड़ता है रिकी, वो तो ना समझ बंदर है। पर सोचो ये सच हुआ तो, मैं वाकई डरपोक बन गया तो। ओह मैं भी ना उस कोबरा को नहीं संभाल पाया, ऐसा लगा मानो मैं एक से नहीं 10 कोबरा से भिड़ रहा था। अब मैं समझा रिकी, मुझे उस सांप के बारे में कुछ तो अजीब लग रहा था। अब मुझे याद आ गया, उसकी पूंछ का रंग दूसरा था। रिकी तुम एक से नहीं 1 से ज्यादा सांपों से भिड़ रहे थे, इसका मतलब बलू भी मुसीबत में होगा। रुको जरा सुनो। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे भी नहीं दिया, पर वो बंदर बड़ी जल्दी भाग गए, इसका मतलब यह हुआ मुसीबत सामने खड़ी हो गई। वो बंदर उतने भी बेवकूफ नहीं है जितने दिखते हैं, समझे बच्चू? तुम डरपोक नहीं हो रिकी, अब चलो जल्दी। उनके दांतों से बचना बघीरा। बचने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अब समझा बेचारा रिकी इनसे क्यों नहीं निपट पाया, ये तो पूरा खानदान है। मोगली पीछे। मोगली तुम ठीक हो ना दोस्त? हाँ हाँ ठीक हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं तो बस फिसल गया था। तो रिकी अब तुम्हें बहुत अच्छा घर मिल गया। हाँ साथ ही यहाँ काफी शांति भी है। शुक्रिया, मुझसे मिलने आते रहना दोस्तों। धीरे बोलो कहीं कोबरा तुम्हारी ये बात ना सुन ले। बात तो सही है। अच्छा क्यों ना हम उन्हें ढूंढे और हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर दें? हाँ 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 क्यों नहीं, पर अभी नहीं बाद में। ये काम फिर कभी करेंगे रिकी।
हाँ, ये काम फिर कभी करेंगे, जल्द ही मिलेंगे रिकिटी किटावे। मैंने ढूंढ लिया। आउच, आउच। ये क्या हरकत है रिकी? मैं जीत गया। मैं थ्री और तुम जीरो। ये नहीं माना जाएगा, मुझे लगा तुम वहाँ छुपे हो। ये एक ही की गलती है। हमारे जंगल का यही नियम है रिकी, हमेशा ध्यान देना चाहिए। मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारी वजह से मैं भी तो डर गई थी। माफ करना टबाकी, हमारे जंगल का यही नियम है। क्या कहा, जंगल का नियम? हाँ, पर तुम तो इस जंगल के हो ही नहीं इंसानी बच्चे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सच कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, निकल यहाँ से वरना मार खा के जाएगा। मोगली की जान खतरे में थी, पर रिकी टिक्की टावी ने वक्त पर आकर उसे तबाकी से बचाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, बिना उस नेवले के आज उस इंसानी बच्चे की हालत खराब हो जाती। कितनी शर्म की बात है ना, अगर मैं उसकी जगह होती तो चुल्लू भर पानी में डूब जाती। उसने कहा इंसानी बच्चे ने कोशिश भी नहीं की, और फिर रिकी टिक्की टावी को हिम्मत दिखाकर सामने आना पड़ा। और मैंने सुना मोगली डर के मारे झाड़ियों में छुप गया। इंसानी बच्चा तो बहुत डर गया था, भाग के झाड़ियों में छुप गया, फिर रिकी टिक्की टावी ने टबाकी को भगाया। माशा ने सब अपनी आंखों से देखा, इंसानी बच्चा तो बड़ा ही डरपोक निकला, हमारे जंगल के नाम पर धब्बा है। मोगली, जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सही है? किटी की टावी ने तुम्हें टबाकी के चंगुल से बचाया? हाँ, और नहीं तो क्या, काश तुम मुझे वहाँ देखते। बम, एक घुसा मारा, बूम, एक और मारा। अगर टबाकी भागता नहीं तो उसका भूसा बना देता। जब उसने तुम्हें पहाड़ी से नीचे धक्का दिया ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसका वहीं पे कचिम्बर बना दूं। क्या, उसने तुम्हें पहाड़ी से गिरा दिया? अब हमें हर वक्त मोगली के साथ रहना चाहिए बघीरा। अरे नहीं नहीं, उसने नहीं गिराया, मैं फिसल गया था, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सोचो, अगर रिकी वहाँ नहीं होता तो क्या हो सकता था? तुम्हें बिना हमारी निगरानी के जंगल में नहीं घूमना चाहिए, ये जंगल सुरक्षित नहीं है मोगली। मुझे किसी की निगरानी की कोई जरूरत नहीं, ना ही तुम्हारी और ना ही ऐसे पिद्दी की जो मेरे घुटनों तक भी नहीं आता। हाँ, बात तो सही है मोगली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओ, मोगली, यहाँ नहाने आए हो? अरे नहीं नहीं, ये बिना किसी की निगरानी के यहाँ नहा भी नहीं सकता। बंद करो ये सब माशा, चली जाओ यहाँ से। उदास हो क्या? अब हमसे छुटकारा पाने के लिए तुम अपने नेवले को बुलाओगे? रिकी, कहाँ हो? मुझे लगता है मेरा दोस्त मोगली मुसीबत में है। हो लगता है टोटोक इंसानी बच्चे को ये डर लग रहा है कि कहीं मैं उस पर केलों से हमला ना कर दूं। हिम्मत है तो नीचे आकर मुझसे दो दो हाथ करो। आओ आओ, अरे नीचे आओ, डर क्यों रहो, आओ ना। ओहो, बंद करो अपनी बकवास, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए किसी नेवले की जरूरत नहीं है। अच्छा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे तुम तो इसे एक रेस में भी नहीं हरा सकते। हाँ? रेस, रेस, रेस। मोगली, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, मुझे लगता है इसकी जरूरत है। रूल्स बहुत आसान है, जो पहाड़ी के ऊपर तक पहले पहुँचेगा वो ही विजेता कहलाएगा।
जाएगा। मुझे तो ये आसान रेस नहीं लगती। ओहो रिलैक्स बलू, हम ये सब कुछ मजे के लिए कर रहे हैं। रिकी को मजे लेने हैं, पर तुम्हारे इरादे तो तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 जाओ। ये मैं चला। संभल कर। संभल कर मोगली। मैं जीत गया। बोलो कौन है सबसे तेज? बस रिकी। ओ रिकी, जंगल में सबसे फुर्तीला, सबसे तेज रिकी। मोगली, जी हाँ मोगली, जंगल में सबसे सुस्त है सिर्फ मोगली। अब तुम खुश होना मोगली, अब इतना करना बंद करो और ये जिद छोड़ो मोगली। बलू, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। अच्छा, सिर्फ रिस्क लेने का मतलब है कि तुम बहादुर हो? मुझे लगता है इस जंगल से दूर चले जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तुम हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाते रहते हो, जैसे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। और उससे भी बुरा मुझे ये लगता है कि सबके सब मुझ पर ही नजर रखते हैं। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ इसीलिए। पर सुनो। जाने दो उसे बलो, वो अकेला रहना चाहता है। ये जंगल के जानवर क्या जाने कि मुझ में आखिर क्या काबिलियत है। मोगली, ये तुम कहाँ जा रहे हो? पुल पार का इलाका हमारा नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारा इलाका ना हो, पर शायद मेरे लिए वही एक जगह है जहाँ मुझे ऐसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। पता है मोगली इंसानी गांव जा रहा है। अरे नहीं, चलो बलू। नहीं मोगली, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमें छोड़कर इंसानों के पास नहीं जा सकते। कर लो, मैं उनका रास्ता भटकाता हूँ। क्या? मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रुक जा, कहाँ जा रहा है? देखो भाग ना पाए, पकड़ लो। उधर से यार, उस तरफ। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, पकड़ो पकड़ो। चलो बलू। वो कहीं दिख रहा है? मोगली। शुक्रिया मोगली, तुमने वाकई कमाल कर दिया, तुम बहुत ही बहादुर हो। मैंने सही कहा ना बलू? हाँ, बात तो सही है, पर मैं ये भी कहूँगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। और एक बात और, मुझे ये बात कहनी ही होगी
कि कभी कभी तुम हमारे बिना भी कमाल कर लेते और हो। ये भले ही जंगल में सबसे तेज ना हो पर ये है जंगल में सबसे कमाल का बंदा। वाओ मोगली, तुम तो उतने ही कमाल के हो जितना कि एक नेवला होता है। तुम्हें एक दिन में चाहे कितनी भी बार मुश्किलें आए मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा इंसानी बच्चे। आज वो बघीरा उन इंसानों से बचकर कैसे भाग रहा था? डरपोक बिल्ली लग रहा था। भला कोई इतना डरपोक कैसे हो सकता है?